हेलो बच्चों, तो मैं आपको वापस वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर हाइट्स पे। एंड दिस साइड सी ए रोमिल जैन सर फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। बच्चों, जैसा कि आज आप लोगों ने मेरे वीडियो का टाइटल देखा है, हाउ शुड आई सेव 1 ईयर इन सी ए फाउंडेशन, ये उन सारे बच्चों के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो अभी क्लास 12th के अंदर है। अगर आप अभी क्लास 12th के अंदर आए, मतलब अगर आप 11th से जस्ट नाउ शिफ्टेड टू क्लास 12th, तो दिस वीडियो इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखना, और आपके जो भी क्वेरी हो मेरे को, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9929411361, उस पर व्हाट्सअप करना, आई विल रिप्लाई, है ना। अब वो सारे बच्चे जो अभी क्लास 12th के अंदर आए एंड दे आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th, वो बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह समझना, क्योंकि अगर आप, मैं आपको जो आज वीडियो के अंदर समझाने वा रहा हूँ, अगर आप उस पैटर्न पे तैयारी करोगे तो एक साल के अंदर अंदर आप 12th और सीए फाउंडेशन दोनों को एक साथ तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ चीज समझो, अगर आप अपने 12th का एग्जाम फाइट करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च 2023, मतलब अगले साल, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने 12th का एग्जाम फाइट करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च 2023, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। वो सारे बच्चे जो अगले साल मार्च 2023 में अपना 12th का एग्जाम फाइट करने वाले हैं और जिनका टारगेट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में एडमिशन लेना, मैं आज उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा जिससे आप अपना एक साल पूरा सेव कर सकते हो सीए के अंदर। और एक साल अपना सेव करना मतलब सीए के अंदर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इंटर और फाइनल के अंदर यू आर एट वेरी मच गेन। तो बच्चों, अब कैसे एक साल सेव करना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपने 12th अगले साल मार्च 2023 के अंदर दिया, तो पहला अटेम्प्ट जो आप एलिजिबल हो गए सीए फाउंडेशन देने का, वो अगले साल का मई 2023 का होगा। अब यहां पर ये बात ध्यान रखना, अगर आपको मई 2023 का एग्जाम देना है, मतलब अगले साल का पहला एग्जाम देना है, तो इस साल की 31 दिसंबर तक आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो। मेरी बात फिर सुनना, अगर आप मई 2023 मतलब अगले साल सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहते हो, तो इस साल की 31 दिसंबर 2022 तक आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म कौन सा, दैट इज आईसीआई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल चाहिए तो वो मैं अलग से एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। अब यहां पर ये ध्यान रखना, अगर आपको मई 2023 का एग्जाम देना है, अच्छा ये आप लोगों को पता होगा कि सीए के एग्जाम साल में दो बार होते हैं, एक तो होते हैं मई में और एक होता है नवंबर में। तो बच्चों, अगर आप ये वाला अटेम्प्ट नहीं देते हो, आप देखते हो नहीं सर एक बार मैं 12th अच्छे से पढ़ लूं फिर मैं उसके बाद दूंगा, तो अननेसेसरी यू आर लूजिंग योर 6 मंथ। ये पॉइंट लिख लेना कहीं पे, अननेसेसरी यू आर लूजिंग योर 6 मंथ, क्योंकि जो एग्जाम की एलिजिबिलिटी तुमको मई 2023 में देगी, आप अननेसेसरी उसको नवंबर 2023 शिफ्ट कर रहे हो। दूसरी बात, सब फीसिस उतनी लगनी है, पैसा उतना ही लगना है, तो फिर एग्जाम डिले क्यों करें। तो यहाँ एक डायरेक्ट आपको 6 महीने का लॉस है अगर आप पहला अटेम्प्ट छोड़ देते हो, तो ये आपकी पहली एलिजिबिलिटी है, बट अगर आप ये अटेम्प्ट छोड़ते हो तो आपको अगला अटेम्प्ट मिलता है नवंबर 2023 का। अब नवंबर 2023 के बाद ये ध्यान रखना, इसका जो वापस ये ध्यान रखना, जो रिजल्ट आता है, नॉर्मल रिजल्ट आने में लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। तो मई का रिजल्ट टेंटेटिव जुलाई में अनाउंस होता है और नवंबर का रिजल्ट टेंटेटिव जनवरी के अंदर अनाउंस होगा, जो 2024 हो जाएगा। तो आपका लगभग लगभग 6 से 8 महीने का वेस्टेज पूरा का पूरा हो गया। और वो बच्चे जो ये सोचते हैं सर पहले हम 12th अच्छे से कर लें और फिर सीए फाउंडेशन करें, तो मैं उनके नोटिस में एक चीज जरूर ले आता हूं, मैं प्रैक्टिकली पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और 12th क्लास में हमेशा वो बच्चा टॉप करता है जो साथ में सीए फाउंडेशन कर रहा है। मैंने कभी ऐसा कोई लाइफ में मेरा केस नहीं देखा, बच्चा 12th में टॉप कर गया और सीए के अंदर फेल हो गया, या सीए में टॉप कर गया और 12th में वो 50% से पास हुआ। नॉर्मली वो बच्चे, और क्या होता है पता है, अगर आप सीए करोगे ना साथ में तो आपका 12th और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफी कुछ सिलेबस पूरा सिंक्रोनाइज करिकुलम है। तो स्टूडेंट, अगर आपको अपना एक साल पूरा बचाना है, तो ये सबसे पहला टिप है, अपनी प्रिपरेशन क्लास 12th के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी करो। हम लोग आपको प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराएंगे, आप किसी भी सिटी में लोकेटेड हो, जो क्लासेस हमारे यहाँ पे चलती है ऑफलाइन वो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट मिलेगा। जैसा आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो उसी पैटर्न पे क्लासेस मिलेगी आपको। अगर कोई भी डेमो लेक्चर चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर 9929411361, आपको प्रॉपर डेमो मिल जाएगा।
तो स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा सिलेक्ट करना जहाँ आपको ट्वेल्थ के साथ साथ सीए फाउंडेशन कराया जाए। हम लोग उदयपुर सिटी से लोकेटेड हैं। अगर आप हमारे रजिस्ट्रेशन कराते हो बाय पेमेंट ऑफ फीस, और प्लीज मेरे को मैसेज मत करना कि सर हमको फ्री में कोचिंग दे दो, फ्री में कुछ नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है ना। वी नीड टू गिव गुड क्वालिटी, हमको मटेरियल पे खर्चा होता है, आपको प्रॉपर पढ़ाना है, और हम लोग बहुत डेडिकेटेड टीम है हमारे पास में, तो आपके डोर स्टेप पे आपको मटेरियल मिलेगा और फिर आपको और कहीं क्लासेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट ट्वेल्थ प्लस सीए फाउंडेशन जो भी हम लोगों के साथ करना चाहता है, यू कैन कनेक्ट अस ऑन ऑनलाइन ऑल्सो। स्टिल अगर आप नहीं भी कनेक्ट करोगे, वी आर देयर टू हेल्प यू इन एनी मैनर। बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोई भी दिक्कत हो मेरे को कॉन्टेक्ट करना। बट बच्चों कोई भी तुम्हारा स्कूल वाला टीचर कितना भी बोले, डोंट गेट मिसगाइड। पहला अटेम्प्ट देना है मतलब पहला अटेम्प्ट देना ही है, डोंट मिस्टेक टू गिव सेकेंड अटेम्प्ट। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप अच्छा पढ़ सकते हो, तो पहला अटेम्प्ट जरूर देना। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टूडेंट मेरा आपको सजेशन यह रहेगा, अगर आपको एक साल अपना बचाना है और ट्वेल्थ के साथ अगर सी ए फाउंडेशन आगे भी देना है, देखो आज नहीं कल तो करना ही है। और इसमें है ना, तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, अगर जो बच्चे नॉर्मल स्कूल गोइंग है, तो आप तीन चीज आपको मैनेज करनी पड़ती है। एक तो स्कूल मैनेज करना पड़ेगा, एक आपको ट्वेल्थ की कुछ कोचिंग करनी पड़ेगी, और आजकल पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स और बच्चे एक चीज नहीं समझते, हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाके हम लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपए भर रहे हैं फीस, और 50-60 हज़ार भरने के बाद भी अकाउंट्स की कोचिंग करनी है, बिजनेस करनी है, इको करनी है, और मैथ्स की कोचिंग अलग करनी है। तो बच्चों ये 50 हज़ार भरने का मतलब क्या है फिर? और दूसरी बात क्या पता है, जो बच्चे 12th साथ सीए करना चाहते हैं, वो सुबह स्कूल जाएंगे, शाम को कोचिंग ज्वाइन करेंगे, और फिर सीए फाउंडेशन अलग से करेंगे, वो बच्चा कभी पास नहीं हो सकता। अगर आपको प्रॉपर 12th के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है, तो मेरा सजेशन है स्कूल से एग्जेम्पशन ले लो। तुम्हारे स्कूल मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल को मतलब है तुम्हारी फीस से, उनको फीस दो और स्कूल को बोलो हम एग्जेम्पशन लेंगे, सिर्फ एग्जाम देने आएंगे, और फुली फोकस करो अपनी 12th क्लास पे और सीए फाउंडेशन पे, तो ही यू विल बी एबल टू गेट सक्सीड। क्योंकि पता है मैंने देखा है बच्चों को स्कूल वाले इतना ऑक्यूपाइड रखते हैं, कभी प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, कभी ये होमवर्क करो, कभी इंग्लिश का ASL दो, कभी वो, और वो पता है वो फाइलें वो कचरे में फेंक देते हैं। तो बच्चों मेरा आपको सजेशन है, इफ यू वांट टू क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन, स्टार्ट विद क्लास 12th, अभी स्टार्ट कर दो। 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन अगर तैयारी करनी है, तो प्रॉपर वे में आज स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी, और स्कूल जितना हो उतना कम जाओ, फोकस करो 12th की क्लासेस पे और सीए फाउंडेशन की क्लासेस पे। बट पहला अटेम्प्ट मिस मत करना, तुम्हारे स्कूल का टीचर कितना ही बोले, डोंट डेयर टू मिस फर्स्ट अटेम्प्ट, आप 6 महीने अननेसेसरी लूज कर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोकल आइट है उदयपुर के, तो गेट इन टच विद मी, और अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे बात करिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।